प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए हर कार्य को दिनेश लाल यादव निरहुआ बखूबी निभाते हैं। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कार्य दे दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ को मोदी जी ने कि जो उसको वो निभा रहे हैं। वो तो आजकल लखनऊ में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, वो भले ही इन दिनों लखनऊ में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी बनारस गए थे, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पर उन्होंने 9 ग्रहों को शांत करने के लिए 9 पेड़ लगाए और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। और ये अपील इस कदर है कि तकरीबन 2 करोड़ पेड़ लगाने की यूपी में एक मुहिम चला दी है। अब इस मुहिम के अंतर्गत सभी सांसद और सभी कार्यकर्ता मोदी जी को खुश करने में लगे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कोई इम्प्रेस कर रहा है तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। जी हाँ, वो लगातार अपना काम तो कर रहे हैं, अपनी शूटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र के बाहर भी बीजेपी का नाम ऊँचा करने में ही लगे हैं। तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कार्य को उन्होंने समझा और तुरंत ही उस पर अमल भी किया। नरेंद्र मोदी ने जहां 9 पेड़ लगाए और 9 पेड़ लगाकर शुरुआत की 9 ग्रहों को शांत करने की, ठीक उसी तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ भी वृक्षारोपण करते नजर आए। साथ ही साथ अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए वो लोगों को अपील कर रहे हैं। इस तरह से दिनेश लाल यादव निरहुआ धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाजपा के एक सशक्त कार्यकर्ता बनते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।